हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचिबीज के व्लॉग। फर्स्ट बेटा ये वो आर्या आमिर भाई की साइड से। आपको पता होगा आमिर भाई ने बोला था कि जैसे ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं आयरा दीदी से मेकअप करवाने वाला हूँ। आमिर भाई ने आज की वीडियो में बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आयरा दीदी से मेकअप करवाता हूँ, आपको दिखूंगा। आमिर भाई के फाइनली 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो 2 लाख भी क्रॉस करने वाले हैं। और गाइस आमिर भाई का इसी बात पे कुछ रिएक्शन था, आमिर भाई इस बात पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखे हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो, रिफ्रेश आप सबके लिए। और सही में यार इतनी जल्दी मतलब एक रिफ्रेश आपके लिए 100K 100K। शर्म इधर बता, एक फॉलोअर नहीं बढ़ा तो 100K एक चपेड़ के लेके ना प्रूफ इधर लगा, निकल जा बेशर्म। बाकी कौन कौन एक्साइटेड है आमिर भाई का मेकअप देखने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, तेरा कहना इस बारे में। मेरा तो यही कहना है, आयरा दीदी ने ये भी कहा था कि यार आमिर भाई को ना मैं लिपस्टिक भी लगाऊंगी अपने मुंह पर और गाल पे ना बड़े बड़े लाल लाल चीक्स करूंगी और साथ में यहाँ पे कांटे भी लगाऊंगी और यहाँ पे ना कोका भी पड़ता है तरक तरक सोनेदार का और साथ में ऊपर चुन्नी भी पड़ी होगी और यहाँ पे मंगलसूत्र तो यहाँ पे होता है, माफी देना। आमिर भाई ने ये भी बताया कि जैसे मैं जम्मू जाने वाला हूँ मैं और आयरा एडमिशन भी लेने वाले कॉलेज में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है जानू स्टैंड की साइड से। जानू स्टैंड ने बताया कि मेरे पीछे जम्मू की काफी ज्यादा पुलिस बड़ी हुई है, वो मेरी मम्मा को फोन करके बोल रही है कि आपका बेटा काफी ज्यादा रैश बाइक चलाता है। ने बताया कि आपको पता होगा पिछली वीडियो में भी ये मेरे घर से बाइक उठा के लेके चले गए थे। जानू स्टैंड ने बताया कि अगर ये वापस मेरे घर बाइक लेने के लिए आते तो मैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, मैं इनको कोर्ट लेके जाऊंगा। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो। मम्मा को ना पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है, कह रहा है कि भाई आप अपनी बाइक लेके जो है पुलिस स्टेशन में हो। तो हमने पूछा कि भाई कोई आपके पास रिटर्न कंप्लेन है मेरे खिलाफ या मेरे कोई गलती है, कह रहे हैं नहीं ये है वो है आपका बेटा बहुत रश चलाता है ये है वो है। तो जानू सर ने ना अपनी सरल भाषा में ये भी कहा कि यार उन्हें टेररिस्ट वगैरह तो पकड़े जाते नहीं, वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, फिर अपना नंबर बढ़ाते भाई हमने ये किया और वो किया। यार इस बारे में आपका क्या कहना है कि जानू स्टैंड के पीछे इतनी ज्यादा जम्मू की पुलिस क्यों पड़ी हुई है, कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो द बिग डील की साइड से। सो गाइस आपको पता होगा यार बिग डील के पास एक ZX10R थी और ऑडी डीटी थी, ठीक है अभी भी उनके पास है। ZX10R के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक रैप कराया था जो सिर्फ 1 in world था। सो अभी ना उन्होंने ऑडी डीटी के ऊपर एक रैप करवाया और इतना तगड़ा रैप कराया जो जिसे देखकर ना हम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए लेकिन उसे देख के आप भी बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। उन्होंने ना उस रैप की ना थोड़ी सी झलक भी दिखाई है। सो गाइस सबसे पहले ना छोटी सी क्लिप भी देख लो। ये रही अपनी गाड़ी गाइस, देख रहे हो पहले थी ये रेड, अब हो चुकी है सैटन रेड, कितने ग्लॉसी ब्लैक हो गए गाइस, पूरा ग्लॉस ब्लैक कलर हो गया अलॉय। नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आलन ब्लॉक्स, आलन ब्लॉक्स, आलन ब्लॉक्स, आलन ब्लॉक्स, आलन ब्लॉक्स की साइड से। इस बेशरम को रोज सा ही रुक जाता बीच में, आने ब्लॉक करते करते बीच में इसकी सांस ही रुक जाती है, तो क्या करूं, तो कल के बाद पानी रखना पड़ेगा तेरे लिए। को पता होगा आलिम ब्लॉग ने बोला था कि जैसे ही मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं वैसे ही आपको बहुत तगड़े वाला सरप्राइज देने वाला हूँ। जिस चीज को देखने के बाद काफी बंदे गेस कर रहे थे कि आलिम ब्लॉग हायाबुसा लेने वाले हैं। यासर चौधरी के चैनल से एक वीडियो उठ रही है जिसमें आलिम ब्लॉग जानू स्टंट यासर चौधरी का इस आलिम ब्लॉग का बिग सरप्राइज लेने के लिए चले गए। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो। आपको लगता है आलिम ब्लॉग कौन सा सरप्राइज लेके आने वाले हैं, तेरे को क्या लगता है? मेरे को तो लगता है पक्का हायाबुसा आने वाली है। नेक्स्ट बेटा ये वो आ रही है हमारे इंडिया की साइड से। आपको पता होगा जो चंद्रयान 3 था गाइस वो फाइनली सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुका है और गाइस ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। इससे पहले 2 चंद्रयान और भेजे गए थे, ये फाइनली पहला चंद्रयान है गाइस जो मून पे सक्सेसफुली लैंड किया है, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। फाइनली उन्होंने ना मून पे लैंड कर लिया और शायद वहां पे जाके ना जैसे वो रिसर्च करेंगे ना क्या पता वहां पे उनको ना एलियंस देखने को भी मिल जाए, पता नहीं कौन कौन सी नई नई चीजें देखने के लिए मिल सकती है। बात पे हमारे काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किया जैसे अल्विश यादव, UKG7 राइडर सौरभ जोशी व्लॉग्स, वो इस चीज पे काफी ज्यादा खुश दिखे हैं। नक्शा बेटा ये बोल रहे हैं जट प्रभजोत की साइड से। आपको पता होगा यार थोड़े दिन पहले ना प्रोवेंट के पापा ने बताया था कि यार मैं रैप्टर को ठीक करवाने वाला हूँ, फाइनली जट प्रभजोत के चैनल से एक वीडियो आउट हुई है जिसमें ना रैप्टर देखने को मिली है और जट प्रभजोत ने इस बारे में बात किया। जैसे यार बंदे का किसी का भी एक्सीडेंट होता है यार तो कुछ बंदे बताओ क्या करते हैं, कुछ बंदों को पता होता नहीं वो ऐसे वीडियो अपलोड कर देते बंदे को ये हो गया वो हो गया। और उन्होंने इस बारे में ये भी बात किया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे हॉस्पिटल
पहुंचने से पहले पहले ना 500 वीडियो पार्ट चुकी थी, उन्हें बताऊं क्या लिख दिया था, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, और कुछ लोगों ने तो मेरे को ना डिक्लेयर ही कर दिया था यार बंदा दुनिया में रहा ही नहीं। सबसे पहले ना आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। पता मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा था, कम से कम 500 वीडियो ऑनलाइन चली गई थी, ऐसा हो गया ये कर दिया 300 की स्पीड, और कहीं ने तो सीधा मेरे को बिल्कुल डिक्लेयर ही कर दिया था कि खत्म हो गया। ने प्रो राइडर के पापा से रिलेटेड गाइस काफी ज्यादा अच्छी बातें भी बोली हैं। ने बोला है कि प्रो राइडर के पापा प्रो राइडर के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रो राइडर का नाम अभी भी बहुत ज्यादा वो रोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बिट आ रही है, वो आ रही है UKG7 राइडर की साइड से। UKG7 राइडर ने फाइनली अपनी सुपरा की मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवा दिया है। उन्होंने बताया कि मैं प्रॉपर ऑरेंज कलर करवाने वाला हूँ अपने सुपरा पे, जो मैंने दुबई से लाया था स्पेशल अपनी सुपरा के लिए। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो। UKG7 राइडर ने ये भी बताया कि आप प्रॉपर आपको 3-4 सीरीज दिखने वाली हैं मेरी सुपरा की मॉडिफिकेशन पे। तो इस बार में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना कि कितनी सीरीज और आने वाली हैं। तेरे को लगता है मुझे क्या पता, उससे जाके पूछना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सौरभ जोशी व्लॉग की साइड से। सौरभ जोशी व्लॉग ने कहा यार मैं एक बार मेरे को भी बिग बॉस में जाना है। इसी बात को लेते हुए एलवी यादव ने ये भी कहा यार अगर आप बिग बॉस में जाना चाहो यार तो आप अच्छे खासे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। इसी बात को लेते हुए सौरभ जोशी ने कहा कि यार मेरे को कोई भी फॉलोअर्स का लालच नहीं है, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए नहीं जा रहा बिग बॉस में, मेरे को सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस करना है बिग बॉस का। और इसी बात को लेते हुए एलवी यादव ने ये भी कहा यार एक बार आप एक्सपीरियंस तो कर लोगे लेकिन आप ना अपने दिमाग से ना स्ट्रेस भी दूर कर लोगे, आप ना अकेले रह कर ना अपना स्ट्रेस भी दूर कर लोगे। सबसे पहले ना छोटी सी क्लिप भी देख लो। फॉलोवर्स के लिए जाना, मेरे को जाना एक्सपीरियंस करने के लिए। कैसा होता है भाई वो एक्सपीरियंस जब होगा ना उससे ऑटोमेटिक सारी चीजें बाहर तुम लेके आओगे जो मैं बता रहा हूं। आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो देखते थे यहां तक पहुंची हो, ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट सामने शो हो रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है यार प्यारी सी। बाकी अब ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। सुबह शाम बताते हम अमित भाई के कट्टर वाले फैन है और आज ये अपनी कमीज ऊपर करेगा और आज मैं इसकी छाती कुटूंगा। चलो हम बताते हैं हम अमीर भाई के कट्टर वाले फैन है और हम अमीर भाई को ये वाला दिल दिखा, ये वाला दिल, ये वाला दिल, ये जो दिल है ना ये बड़ा तगड़ा दिल है। हम अमीर भाई को दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मम्मी मारी आई मुआ पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पपिया इसे लो आज एक और लो, एक और लास्ट।